আজ আগরতলা প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত ভিশন 2047 ত্রিপুরা শীর্ষক দুদিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য সচিব কুমার অলোক সহ অন্যান্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন যে নতুন প্রজন্মের সামনে এক সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে আগামী 25 বছরের রূপরেখা স্থির করে কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের পথে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার অগ্রসর হচ্ছে। বাস্তবিক দৃশ্যকল্পের সমস্ত আধিকারিক ও পরিকল্পনা রূপায়ণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতামূলক ভাগিদারিত্ব ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। त्रिपुरा के नौजवान के लिए, त्रिपुरा के जो आज के जवान मेरे बहन है उनके लिए, उन तक कैसे पहुंचे, पहुंचने के लिए जो बाधाएं हैं, हमारे ये प्रोग्राम तभी सक्सेस होगा कि उन लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ना और पहुंचाना, दोनों करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और काम के साथ जब हम नहीं जोड़ते, अच्छा काम भी ऐसे लोग बैठे रहते, उसका अपप्रचार कर लेते। मैंने देखा मेरे ऐसे ऐसे ऑफिसर यहां काम कर रहे थे, कर रहे थे, बाहर भी कर रहे हैं, क्योंकि ढंग से हमने नीचे तक उसको प्रचार नहीं किया, भला कनेक्ट नहीं किया, तो अलग अलग कहीं बना देता है न्यूज़ पेपर। विद्या ज्योति इतना बेहतरीन स्कीम है, उसको आंदोलन में लेके जा रहे, कितने बड़े आंदोलन कर लिए, समझ में नहीं आता चीज आने, तो समझ में आने के बाद भी लोगों का भला नहीं पसंद करता है, इसीलिए करता है। इसीलिए हम लोगों का सबका ड्यूटी है, ऐसा मत मानिएगा बोले ये सिर्फ लोक प्रतिनिधि का ही ड्यूटी है, ना, आप लोगों का भी ड्यूटी है ये, जो हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ पब्लिक के साथ कनेक्ट होना। तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगी, मौका हम लोग देते हैं। इसको अच्छा से प्रचार प्रसार करना, जो भी चीज हम करने जा रहे हैं